हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो स्टूडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं NCERT एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट डिस्टेंस एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, उन दोनों का सम 90 डिग्री, इसलिए आपको क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट एस टी। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये क्या है? टावर। तो सबसे पहले आपको यहाँ फिगर में क्या करना है? एक टावर बना लेते हैं। तो ये मैंने एक टावर बना लिया, इसको टी मैंने नेमिंग कर दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट। अब यहाँ पे दो पॉइंट से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक है आपका एस और दूसरा है आपका टी। यहाँ पे टी डिस्टेंस के ऊपर है, दो डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है, एक एस डिस्टेंस है और टी एन सी, ये आपका क्या है? डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले इसका बेस बना लेते हैं। टावर है तो ऑब्वियस है बेस पे ही खड़ा होगा, तो ये मैंने यहाँ बेस बना लिया। तो एक पॉइंट में यहाँ ले लेती हूँ, एक पॉइंट में यहाँ ले लेती हूँ, उसको हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी और ये सी। तो इस डिस्टेंस के ऊपर एक पूरा आपका कंप्लीट डिस्टेंस है टी और एक आपका स्मॉल डिस्टेंस है एस। इस एस टी में से आप कोई भी ले सकते हो जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो मैंने ए से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया और बी से भी मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। तो एक आपका क्या है? एस डिस्टेंस पे, एक डी टी डिस्टेंस पे। तो आप किसी को भी एस ले लो, किसी को भी टी ले लो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक एस ले लेती हूँ और ए से जो सी तक है उसको मैं यहाँ पे टी ले लेती हूँ, ठीक है। और फिगर की हमारी नेमिंग सारी हो गई। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट टी सी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है? टावर है और ये हमारा यहाँ पे बेस था। तो इसकी हाइट अभी हम यहाँ पे लेट कर लेते, चाहे एच ले लो चाहे एक्स ले लो, मैंने यहाँ पे एक्स लिया। तो मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है और मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो मुझे यहाँ पे प्रूव करके बताना है कि इस टावर की जो हाइट है वो अंडर रूट एस टी है। तो सबसे पहले गिवन राइट कर लेते हैं। तो ये हमने गिवन राइट कर लिया, लेट द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर टी सी इक्वल टू एक्स है, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ टी एंड एस। ए जो है वो टी डिस्टेंस पे, बी है वो क्योंकि हमें फुट के टावर के फुट से हमें यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई, तो हमने सी से इसको मेजर किया। तो ए से सी टी, बी से सी एस दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो जैसे मैं कोई भी एक एंगल लेती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम कैसे लिखते हैं? तो पहले तो वो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो होता है 90 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल है, जैसे मुझे ये एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री मुझे फाइंड करना है। तो 90 में से इस एंगल को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। अगर एक एंगल मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। वही उन्हीं दो, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो एक एंगल आपको गिवन है, तो दूसरा आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लोगे। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 हो गया, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री आपका 60 हो गया। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ कि एक एंगल, ये वाला एंगल मेरा थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री मेरा दूसरा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैंने एक को थीटा लिया तो दूसरा मैंने 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं पता। जैसे यहाँ 30 पता है, 45 पता है, तो मैंने 90 माइनस करके वैल्यू फाइंड कर लिया, दूसरा एंगल फाइंड कर लिया, बट यहाँ नहीं पता है मुझे, इसलिए वेरिएबल के फॉर्म में लिया कि ये वेरिएबल है थीटा है, तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मुझे यहाँ एक्स फाइंड करना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लेंगे? तो आप देखो, बेस हमें यहाँ पे गिवन है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो पी अपॉन बी ले लो या बी अपॉन पी ले लो, ये दो रेशियो को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले एक ट्राइंगल हम यहाँ पे लेते हैं, टी बी सी ले लो चाहे टी ए सी ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल है, मैं पहले टी बी सी ले लेती हूँ, ये वाला 90 माइनस थीटा वाला एंगल ट्राइंगल मैं पहले ले लेती हूँ। तो इन ट्राइंगल टी बी सी, ये मैंने इसको हाईलाइट करके बता दिया, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर रहे हैं। तो पी अपॉन बी है, तो इसमें यहाँ पे क्या लग जाएगा? टैन थीटा इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर बी अपॉन पी लिया है तो यहाँ पे कॉट थीटा आ जाएगा, दोनों आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज टैन थीटा हमारा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, परपेंडिकुलर है टी सी और बेस कौन है आपका यहाँ पे? बी सी। तो टी सी अपॉन क्या हो गया? बी सी। नाउ हमें पता है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
इसमें 1090 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो 1090 माइनस थीटा हमने यहाँ पे कॉट थीटा लिख लिया। तो ये आपको चैप्टर एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे राइट करते हैं। फिर टीसी की वैल्यू हमने यहाँ एक्स लिए और बीसी यहाँ पे हमारा कितना गिवन है एस, क्योंकि एक्स तो हमने लेट किया है, ये रहा टीसी हमने एक्स लेट किया है और बीसी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो कितना है एस है। तो दिस इंप्लाइज कॉट थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एस हो गया, इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं टी ए सी, तो इन ट्राइंगल टी ए सी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगेन आपको लिखना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर और बीसी आएगा तो सेम यही आएगा टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो यहाँ पे थीटा आपका कितना है, थीटा हमारा थीटा ही है, इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी हमारा ये टी सी है जो ग्रीन ट्राइंगल है हमारा पूरा, और बेस यहाँ पे पूरा कितना है ए सी हो गया। तो थीटा तो थीटा ही है, तो ये आपका टैन थीटा ही रहेगा। टी सी की वैल्यू आप एक्स रख दो और ए सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी टी, तो ये हो गया एक्स अपॉन टी, इक्वेशन नंबर हो गई टू। अब यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट से हमारा ये आ रहा है, इक्वेशन सेकेंड से हमारा ये आ रहा है, बट जो हमें प्रूव करना है वो हमें यहाँ पे अंडर रूट एस टी आ रहा है, एस टी का यहाँ पे क्या है मल्टीपल है। तो यहाँ पे कोई जो आपको प्रूव करना है उसमें ना कॉट थीटा है ना टेन थीटा है, तो हमें यहाँ पे एक चीज पता है कि कॉट थीटा जो इक्वल टू क्या होता है वन बाय टेन थीटा होता है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल कर देती हूँ, कॉट थीटा और टेन थीटा को मल्टीपल कर देती हूँ, तो इक्वल हमारा क्या आएगा वन आएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है वन। तो वन क्यों, क्योंकि आप कॉट थीटा की जगह वन बाय टेन थीटा रखोगे, ये देखो इससे इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, तो tan थीटा से tan थीटा आपका क्या हो जाएगा कैंसिल और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा वन आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इन दोनों को मल्टीपल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रूव करना है उसमें ना cot थीटा है ना tan थीटा, तो इन दोनों को मुझे यहाँ से हटाना है। तो इन दोनों ये दोनों तब भी हटेंगे अगर प्लस करने पर हट रहे होते हैं तो प्लस कर देते, माइनस करने पर होता अगर ये भी cot थीटा होता तो माइनस कर देते, बट ये दोनों अब मल्टीपल से क्या होंगे कैंसिल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, इनको मल्टीपल कर रहे हैं तो लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीपल होगा और राइट राइट से मल्टीपल होगा, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों आपस में कैसे कैंसिल होंगे, क्योंकि प्रूव करने वाले में जो जैसा है हमें वैसा ही प्रूव करना है। तो ये दोनों हटाने के लिए, क्योंकि इनका मल्टीपल हमारा वन के इक्वल होता है, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं, तो एक्स अपॉन एस इंटू एक्स अपॉन टी हो गया। इन दोनों को भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया, दोनों का मल्टीपल इक्वल टू वन होता है, तो वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से मल्टीपल, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीपल हो गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एस इंटू टी एस टी हो गया। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक्स ही यहाँ पे हमारी क्या है टावर की हाइट है, तो मैं एस टी को उधर ट्रांसफर कर देती हूँ, एस टी आपका वन से मल्टीपल होके एस टी हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट उधर जाके हमारा प्लस माइनस आता है, बट क्योंकि हाइट हमारी पॉजिटिव होती है इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को ही ले रहे हैं। तो हैंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट एस टी, तो हैंस हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट एस टी मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।